हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक गुजराती डिश, मेथी के थेपले, जिसको हम स्नैक्स के जैसा भी खा सकते हैं और पराठे के जैसा हम नॉर्मल मेन कोर्स में भी खाते हैं इसको। तो इसको कैसे बनाते हैं, चलिए इसके नोट डाउन करते हैं। ये मेथी के थेपले बनाने के लिए जो हमें सामग्री चाहिए, चलिए वो नोट डाउन करते हैं। तो सबसे पहले तो मेथी चाहिए। ये मैंने 150 ग्राम के करीब मेथी ली है, जिनको अच्छी तरह साफ करके धो के और फिर हमने छोटे छोटे काट लिया है। उसके साथ ये हम डालेंगे, ये 1 चम्मच करीब, बड़ा चम्मच हमने हांग काट लिया है। ये जो है 1 कटोरी हमने गेहूं का आटा लिया है। साथ में हम करीब 1 बड़ा चम्मच हम बेसन डालेंगे। ये अदरक और मिर्ची को कूट लिया है हमने, सिर्फ मोटा मोटा कूट लिया है। और साथ में इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, हल्दी डालेंगे 1/2 चम्मच, 1 चम्मच हम नमक डालेंगे। ये थोड़ी सी अजवाइन ली है मैंने, जिसको कि हाथ से मसल लिया है, इसको भी डालेंगे, जिससे थेपले खाने से आपको कोई पेट की प्रॉब्लम नहीं हो। तो अजवाइन ऐसे डाल देना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा रहता है पेट के लिए। और साथ में ये 2 छोटे चम्मच हम इसमें तेल भी डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका आटा बनाएंगे और फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ये बड़ा सा हमने परात जैसा लिया है, उसमें हम ये गेहूं का आटा डालेंगे। उसके बाद ये जो हमने 1 बड़ा चम्मच बेसन लिया है, ये भी इसमें डालेंगे। साथ में ये जो मेथी, इसको भी हम इसमें डाल लेंगे। ये बहुत अच्छे होते हैं स्वाद में और इनकी शेल्फ लाइफ भी होती है। तो इसको हम, क्योंकि दही डाल के और तेल डाल के सानेंगे, तो इसकी वजह से ये 2-3 दिन आराम से चल जाते हैं। अगर आप सफ़र में या टिफ़िन वगैरह के लिए, ये बहुत अच्छा रेसिपी है। और इसको हम आपस में सब मिला लेंगे। उसके बाद ये जो हमने अदरक और मिर्ची कूट के रखा है वो डालेंगे, साथ में ये दही। ये दही भी डाल दिया हमने। साथ में ये जो मसाले हैं, हल्दी, नमक और ये अजवाइन, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम सब चीजों को पहले अच्छी तरह मिला लेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। ये 2 छोटे चम्मच हम तेल भी डाल रहे हैं, बाद में जब हम आटा बना लेंगे तो ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा के चिकना कर लेंगे। ये देखिए, अब ये डो हमने तैयार कर लिया है और ये एकदम सॉफ्ट डो तैयार करते हैं, जैसे रोटी या पराठे के लिए बनाते हैं, बस वैसा करते हैं। इसे हम कम से कम 15 मिनट के लिए रख देंगे, तो ये काफी अच्छा हो जाएगा और उसके बाद हम थेपले बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ये एक तवा चढ़ा देंगे, अभी हमने धीमी आंच पे रखा है। हम पहले थेपला बेल लेंगे, इसमें छोटे छोटे पेड़े लेंगे और थेपले जो होते हैं वो गोल गोल ही बेले जाएंगे, लेकिन थोड़े पतले होंगे, पर वो सॉफ्ट रहेंगे क्योंकि हमने दही और तेल डाल के इसको सान के बनाया है। चलिए शुरू करते हैं बेलना। ये देखिए, इस तरीके से हम बेलेंगे, थोड़ा सा इसको और पतला कर लेते हैं। इसको बस ये ध्यान रखना है कि इसको पतला ही बेलते हैं, जितना पतला आप आसानी से बेल सकें। लोई भी उसी हिसाब से लीजिए, जितना बड़ा आपको साइज में चाहिए, आपकी मर्जी है। पर ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और पतले होने के बावजूद। तो बस ये देखिए, ये बन गया है। अब हम इसको इस तवे पे डाल देंगे इस तरीके से और दूसरा थेपला बनाना शुरू करेंगे। अब हम देखिए, ये 2 मिनट करीब हो गए हैं, तो इसको हमने पलट दिया है। पहले दोनों तरफ से ऐसे ही सूखा करेंगे, जब उस तरफ से एक बार और फ्लिप करेंगे हम, तब हम तेल लगाएंगे। और ये देखिए, अब हमने एक बार और फ्लिप कर दिया है, अब हम इस पे तेल लगा देंगे। अच्छी तरह तेल लगाने के बाद हम फिर इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ भी हम तेल लगाएंगे। फिर जब ब्राउन चित्तियां आ जाएंगी दोनों तरफ, तो हमारा सिक्के थेपला तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अब ये ब्राउन ब्राउन ऐसे चित्तियां आने शुरू हो गई हैं। जब दूसरी तरफ से भी इस तरह से लाल लाल चित्तियां आने लगेंगी, तो बस ये सिक्के तैयार होगा। इसको इस तरह से दबा दबा के हम सेक लेंगे। अब
अब देखिए ये दूसरी तरफ से भी सिक गया है, दोनों तरफ इसमें आ गया है, तो ये सिक्के तैयार है। अब हम इसको एक प्लेट में एक कटोरी रख के उसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि नहीं तो भाप से ना वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। तो पहले आप एक प्लेट पे कटोरी रख के उसको रखिए, तब तक हम दूसरा थेपला डाल के सेकना शुरू करते हैं। ये देखिए ये दूसरा वाला थेपला भी देखिए लाल लाल चित्तियाँ पड़नी शुरू हो गई हैं। तो अब हम इसको तेल लगाएंगे और फिर दूसरी तरफ पलट देंगे। इस तरीके से अब इसको सेक लेंगे। ये देखिए अब ये दूसरा वाला भी हमारा सेक के तैयार हो गया है दोनों तरफ से अच्छी तरह, तो इसको भी हम निकाल देंगे प्लेट पे। इसी तरह से हम सारे थेपले तैयार कर देंगे। तो ये तैयार है हमारे मेथी के थेपले। ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसे हम छुंदा यानी जो मीठा वाला आम का अचार होता है यहाँ का, कद्दूकस करके बनाते हैं, या हरी चटनी किसी के भी साथ आप इसको खा सकते हैं। तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए।